7,500 रुपए रेट है, बस 7,500, ओनली 7,500। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर मेरे पास में 2 पशु हैं या फिर 10 पशु हैं तो कौन सा चाप कटर मेरे लिए अच्छा रहेगा? अब चाप कटर का उपयोग क्यों करना पड़ता है? जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जवार है, जो बाजरी है, जो मक्काई है, यानी कि जो बड़े बड़े जो घास है उसमें क्या करते हैं, पशु को अगर डालते हैं अपन तो पत्ते पत्ते खा जाते हैं, फिर जो डंटल है वो वहाँ पे वेस्ट हो जाते हैं। क्या आपको पता है जो डंटल होते हैं उसमें कितने सारे पौष्टिक तत्व तो रहते हैं? जो गाय है, भैंस है, जो बकरी है, उसके लिए काफ़ी फायदेमंद रहते हैं। तो इसके लिए अपने पास होना चाहिए एक चाप कटर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है हमारी कंपनी लायंस इंडस्ट्रीज में। जी, आपका परिचय दीजिए और आपकी कंपनी का परिचय दीजिए हमारे ऑडियंस को। सर, मेरा नाम संदीप राठौड़ है और हमारी कंपनी है लायंस इंडस्ट्रीज, जो राजकोट से 50 किलोमीटर पड़ती है जी। और हमारी कंपनी का नाम लायंस इंडस्ट्रीज है और वज्रकट ब्रांड से हम बिलोंग करते हैं, बराबर। यहाँ पर हम सभी प्रकार के चाप कटर बनाते हैं। अच्छा, तो चाप कटर में कौन कौन से मॉडल है आपके पास, कुछ छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन? सर, हमारे पास 1 HP से लेकर 25 HP तक के मशीन है, जिसमें ट्रैक्टर माउंटेड भी है, 2-in-1 भी है, ब्लोअर टाइप भी है, सभी प्रकार के चाप कटर बनाते हैं सर। जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट, जितने जिसके पास पशु है, एक पशु से लेकर 100 पशु या 500 पशु तक की हमारे पास मशीन है सब। अच्छा अच्छा, और सभी प्रकार की मशीन हम जैसे कस्टमर की डिमांड होती है उस तरह से उसको डेवलप करते हैं। अच्छा, तो आज के वीडियो में आप कौन कौन से मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं? सर, हम 1 HP से लेकर 3 HP तक के मॉडल के बारे में आपको बताएंगे। जी, तो कुछ बताइए आप, ये जो मॉडल है उसमें मतलब ये है कितने पशु के लिए काम आएगा, फिर आगे कितने पशु के लिए काम आएगा? ये सर नैनोकल के मॉडल है हमारा। अच्छा, सबसे छोटा? हाँ, ये सबसे छोटा वाला। अच्छा, जिसके पास 1 से लेकर 3 एनिमल हो। अच्छा, सबसे छोटा वाला, यानी 1 से 3 जो पशु रखते हैं उनके लिए, उनके लिए है, परफेक्ट है। अच्छा, इसमें ये 1 HP की मोटर से चलता है। सबसे छोटा सिंगल फेस में चलेगा, सिंगल फेस में 1 HP की मोटर से चलेगा और घंटे में 200 से 300 kg का आउटपुट देगा। अच्छा, और गीला सूखा सब? गीला सूखा गन्ना सब इसमें काट सकते हैं। अच्छा, फिर अगर नेक्स्ट की बात करते हैं अगर, तो अपन ये L10 करके मॉडल है सर, ये 10 पशुओं के लिए है। 10 पशुओं के लिए, कम से कम 10 पशु, कम से कम 10 पशु, 10 से 12 पशुओं के लिए परफेक्ट है। ये सर 2 HP की मोटर से चलती है, 2 HP की मोटर से 500 kg तक चारा काटेगी 1 घंटे में। अच्छा, इसमें भी गीला सूखा गन्ना वगैरह सब? गीला सूखा गन्ना, कॉटन सीड सब कटेगा। अच्छा अच्छा, सब कटेगा। अगर अपन यहाँ पे इसकी बात करते हैं L7 की, तो इसमें क्या फीचर्स है? ये सर हमारी सबसे ज्यादा बिकने वाली मशीन है ये। अच्छा, हाँ, मतलब हॉट प्रोडक्ट है ये, सबसे ज्यादा हॉट प्रोडक्ट है ये। 2 HP से 3 HP तक चलती है, ज्यादातर कस्टमर जिसको ज्यादा चारा काटना, अच्छा रिजल्ट चाहिए, वो 3 HP की मोटर इसमें यूज करता है। ये 20 से 25 एनिमल तक परफेक्ट है। अच्छा, 20 से 25 एनिमल तक, मतलब, और 0 मेंटेनेंस है। अच्छा, उसके बाद में अगर अपन यहाँ पे ये बात करते हैं कि ये जो आपका L5, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है। हाँ, हाथी की सूंड जैसा ये सर ब्लो, इसको ब्लोअर टाइप मशीन बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको चारा काट के अगर डायरेक्ट आपको किसी में लोड करना हो, कोई ट्रॉली में डालना हो या कोई बोरी भरनी हो। अच्छा, तो इसको डायरेक्ट आप इसमें लोड कर सकते हैं। अच्छा, सीधा डायरेक्ट अपन उसमें ट्रॉली में। सबसे इसमें क्या है कि अभी तक छोटी मशीन ब्लोअर वाली कोई भी आती नहीं मार्केट में। ये हमने पहली कस्टमर के डिमांड के हिसाब से पहले इसको डेवलप किया है। 2 HP की मोटर से चलेगा, 2 HP का लगाना। हाँ, है 2 HP का लगाना है। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी मोटर आप यूज करते हैं उसमें आप कॉपर वाइंडिंग यूज करते हैं या फिर एल्यूमिनियम वाइंडिंग? नहीं, कॉपर वाइंडिंग की, हम ISI मोटर यूज करते हैं इसमें। अच्छा, वन ईयर की पीस टू पीस की गारंटी देते हैं इसमें। अच्छा, पीस टू पीस, एक साल में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो भी, यानी पीस टू पीस चेंज कर देंगे आप? कोई समझ लो छोटा मोटा प्रॉब्लम, कोई कैपेसिटर जल आ गया, ऐसा कुछ हुआ तो इधर से हम कुरियर कर देते हैं। बाई चांस कोई पूरी मोटर जल गई तो इधर मंगवा के उसको नया पीस दे देते हैं तुरंत ही तुरंत। अब बात कर लेते हैं अपन मोटर के RPM की, कितने RPM पे रन होती है? मोटर के RPM है 1440। सभी मोटर का सेम RPM? सभी में सेम RPM है। अच्छा, अब कुछ अपन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की भी बात कर लेते हैं, जैसे जो नैनो है वो कितना बिजली खपत करता है, फिर 2 HP का वो कितना खपत करता है? सर, 1 HP की जो मोटर है वो आधे यूनिट से पौने यूनिट तक चलता है, आधे से पौने यूनिट का, 1 घंटे का। और कॉपर वाइंडिंग की हो तो, अगर उसमें एल्यूमिनियम वाइंडिंग हो तो फिर बिजली का बिल डबल भी हो सकता है, सर पे आ जाएगा पूरा, सर पे आ जाएगा, 1-1.5 यूनिट भी ले सकती है। सो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। और हम हमारे सभी मशीनों में सब ISI मोटर ही यूज करते हैं, चालू लोकल मोटर यूज नहीं करते। आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है? हाँ, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी रिलायंस वज्रकट ब्रांड की मोटर आएगी इसमें, जिसमें हम पीस टू पीस की गारंटी देते हैं। अच्छा, तो उसके बाद में 2 HP की बात करें तो कितना कंजप्शन होगा? 2 HP की मोटर है सर 1-1.5 यूनिट।
अच्छा, एक से डेढ़ यूनिट। वो डिपेंड करता होगा कि कितना लोड पे चल रही है, कितना लोड पे चल। अगर ज्यादा लोड पे चलेगी तो आधे यूनिट का डिफरेंस पड़ेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, आधा एक यूनिट में, आधा एक यूनिट का डिफरेंस पड़ेगा। अब सर एक चीज और माइंड में चलती है लोगों के कि अगर हम घर बैठे अगर इसको मंगवाते हैं तो इसका वजन कितना होता होगा? इसका वजन सब मशीनों का अलग अलग वजन है। अच्छा, मतलब 35-40 केजी से लेकर 500 केजी तक की मशीन है सब। जो छोटी छोटी मशीन है उसका कितना वजन? छोटी मशीन है उसका एक का है 40 केजी है, फिर 70 केजी है, 100 केजी है। छोटी सब मशीन है वो 100 केजी तक आ जाती है सब। अच्छा, 100 केजी तक आ जाती है। तो विद मोटर देते हैं आप या फिर ऑप्शन है? सर ऑप्शनल है उसमें, तो अगर कोई कस्टमर के पास पुरानी मोटर पड़ी है तो उसको भी वो फिट कर सकता है। अगर हमें वो मोटर भेज दे तो इधर से भी हम उसको इंस्टॉल करके देते हैं, और कोई कस्टमर इधर से लेना चाहे तो उसको इधर से भी दे, नई मोटर भी, हाँ, नई मोटर भी देते हैं उसको। अच्छा अच्छा, वो भी डीलर रेट से। अच्छा, डीलर रेट से। अच्छा, अब सर ये एक सवाल आता है कि अब सारे लोग मतलब अपना लाइव डेमो भी देख चुके हैं यहाँ पे, मशीन काफी अच्छी चल रही है, जो अपन देख रहे हैं जो कटिंग है वो भी काफी अच्छी कटिंग हो रही है, इसमें जैसे छोटी बड़ी कटिंग करनी है तो उसमें भी कोई ऑप्शन है इसमें? सर छोटी मशीनों में कोई ऑप्शन नहीं है, हमारी बड़ी मशीन जो आती है L9 करके, जो गियर बॉक्स लगा हुआ है, और दूसरी एक L8 करके है। अच्छा, वो दोनों में आप चेंज कर सकते हैं सर। अच्छा, अच्छा, छोटी मशीनों में इसकी फैसिलिटीज नहीं है। अच्छा, बड़ी मशीनों में जाना पड़ेगा, उसमें आप छोटी बड़ी साइज कर सकते हैं मेंटेन। अच्छा, तो अभी तो क्या वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो अपन ऑडियंस को बोलते हैं कि पार्ट तो अपन जल्दी ही लाएंगे, और उसमें वो सारी मशीन की डिटेल बताएंगे उसमें, यानी कि पिसाई वाला भी है क्या उसमें कुछ? सर उसमें 2-in-1 भी है। अच्छा, जिसमें चारा भी काट सकते हैं और दलिया बलिया वगैरह बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। अच्छा, तो ऑडियंस अगर आपको जरूरत है कि दलिया बनाना और जो मतलब यानी कि चक्की के रेट में चाप कटर भी मिल जाए और चक्की भी मिल जाए, ऐसी आपको जरूरत है कमेंट करके बताएं, तो पार्ट टू में जल्दी ही आपके सामने पेश करूंगा। अच्छा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये जो मशीन है उसमें जो ब्लेड है जिसका काम रहता है कटिंग करना, तो ब्लेड के ऊपर ही डिपेंड करती है उसकी क्वालिटी। तो क्या क्वालिटी है और कितने ब्लेड यूज करते हैं और कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है आपकी? सर ब्लेड इसमें सभी मशीनों में कम ज्यादा ब्लेड आती है, छोटा मशीन होता है तो उसमें कम ब्लेड होती है, मोटा मशीन होता है बड़ा तो उसमें ज्यादा ब्लेड होती है। हाँ, अच्छा तो अपन लाइव देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन सी ब्लेड आप यूज कर रहे हैं। हाँ, ठीक, खोल के दिखाइए आप यहाँ पे। इसमें हम हाई कार्बन स्टील की ब्लेड यूज करते हैं। अच्छा, और यहाँ पर ही इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा, खुद ही बनाते हैं क्योंकि क्वालिटी मेंटेन के लिए क्या हम बाहर नहीं देते हैं, हम खुद ही इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यहाँ पर। अच्छा, कितनी ब्लेड है इसमें? इसमें 2 रोटेटिंग है और एक फिक्स ब्लेड आती है, टोटल 3 ब्लेड होती है इसकी। 3 ब्लेड, हाँ, 2 घूमती है और एक सामने फिक्स रहती है। तो अलग अलग मॉडल में अलग अलग होती है? हाँ, अलग अलग मॉडल में अलग अलग होती है। अच्छा, इसके बाद में ये जो देख रहे हैं ये क्या काम आता है? ये फीडर रोलर है सर। अच्छा, ये चारा खींचने का काम करता है, जिससे आप चारा डालो तो धक्का नहीं लगाना पड़ता है, चारा अपने आप खींच। यहाँ से यानी कि सीधा अगर हुपर से अगर चारा डाला, चारा डाला, ये रोलर को टच हुआ तो वो खींच लेगा। यहाँ से हुपर से जैसे चारा डाला मैंने तो यहाँ पे आया और यहाँ से वो खींच लेगा, खींच लेगा। और ये एडजस्टेबल है रोलर, जितना चारा कम ज्यादा जाएगा चारा उसके हिसाब से वो अप डाउन ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है। अच्छा 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 जी, उसके बाद में जो इसका आउटपुट है वो सिर्फ एक जगह से ही निकलता है यहाँ से? हाँ, एक जगह से ही निकलता है, लेकिन इसको कम ज्यादा दूर गिराना हो या नजदीक गिराना हो उसकी फैसिलिटीज दी हुई है। इसको नीचे करना है ऊपर करना है? नीचे ऊपर करना है। अच्छा, उसके बाद में इधर जो कुछ एक नया दिख रहा है मेरे को, ये क्या काम आएगा? ये क्या, इससे चारा आप डायरेक्ट कोई बोरी भर सकते हैं या कोई ट्रॉली में डायरेक्ट डाल सकते हैं। नीचे उठ पड़ा है चारा, इधर से निकल, इसमें 2 साइड से निकलेगा, नीचे से भी निकलेगा और ऊपर से भी निकलेगा, जैसा कस्टमर को निकलना है। तो इससे क्या, नीचे से निकालोगे तो चारा नीचे गिरता है, ठीक, भर के डालना पड़ता है किसी में भी। इसका फायदा यह है कि आप डायरेक्ट इसको काट के सीधा लोड कर सकते हैं ट्रॉली में या वगैरह किसी भी जगह पे। तो ये चारों मतलब जो देख रहे हैं अपन 3 ब्लेड की है? हाँ, सब 3 ब्लेड की मशीन है। अच्छा, 3 HP तक तो सब 3 ब्लेड आती है, फिर 5 HP में जाते हैं तो उसमें 4 ब्लेड 5 ब्लेड। अच्छा, मतलब जितना कैपेसिटी बढ़ेगा उतना ब्लेड भी बढ़ेगा। अच्छा, तो एक बात और आती है, जो इसमें ब्लेड है वो घिसती तो होगी, मतलब कितने टाइम में चेंज करना होता होगा? सर मिनिमम 1 ईयर तक ब्लेड को कुछ नहीं होता है, फिर आप कैसे संभालते हैं, टाइम पे इसको घिसना पड़ता है इसकी। समझ लो पहली बार, फर्स्ट बार कस्टमर जो ले गया, एक बार चलाया उसने, फिर एक बार चलाने के क्या, चलाने के बाद पूरे मशीनों के नट बोल्ट उसको चेक करने चाहिए, सब जगह जहाँ पे ग्रीस आता है वहाँ ग्रीस लगाना है, ऑयल आता है वहाँ पर ऑयल लगाना है। जो टाइम पे सब उसका ध्यान रखेगा तो कम मेंटेनेंस रहेगी। सर अब नेक्स्ट सवाल आता है इसकी कीमत की, क्योंकि सब कुछ देख चुके हैं वो सब समझ में आ गया है, लेकिन खर्चा कितना करना पड़ेगा इसमें? सर सबसे छोटी मशीन है जो नैनो करके, उसका 7,500 रुपए रेट है। बस 7,500? ओनली 7,500। ये तो बहुत अच्छा है ना। और ये मिनिमम 2,000 की पेमेंट, एडवांस पेमेंट पे हम इसको
यहाँ से डिलीवर कर देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद में अगर अपन ये जो L10 है उसकी बात करते हैं, इसकी 12,000 रुपए रेट है। अच्छा, और इसका है 17,000। अच्छा, 17,000 में ये मिल जाता है। और इसका है 15,500। अच्छा, और इस अभी के रेट है आज की डेट के। अच्छा सर, अब कोई भी अगर कस्टमर इसे खरीदना चाहता है तो कैसे खरीदेगा वो? सर, कोई भी कस्टमर अगर खरीदना चाहे तो दो तरीके से खरीद सकता है, या तो ऑनलाइन खरीद सकता है हमें कॉल कर, या तो इधर लाइव कोई आना चाहे तो इधर हम लाइव आते हैं तो उसको डेमो भी दिखाते हैं, जो उसको अच्छा लगे सभी मशीनों का डेमो रखते हैं इधर हम, जो उसको चाहिए उसके हिसाब से उसको देते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, साथ में अगर कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज किसान टीवी पेज पर देख रहे हैं तो आप पेज को फॉलो करना न भूलें। साथ ही में अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर हिट करें, क्योंकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।